पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी लाइव में। अमरोहा के नौगवा सादात विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी को उतारा है, जिनका अमरोहा पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। साथ ही कहा कि ये चुनाव किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और मां बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सकें। ये चुनाव किसानों की लड़ाई का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों की आवाज बुलंद करने का चुनाव है, ये चुनाव माओं और बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। जाहिर है गरीब किसान, भूखा नौजवान और बेइज्जती झेलने वाली महिला शासन और प्रशासन के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकती।